नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। सदी की सबसे बड़ी भविष्यवाणी 2025, 2026, 2027, 2028। दोस्तों, आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही जबरदस्त सीरीज लेके, और ये सीरीज रहेगी वर्ष 2025, 2026, 2027 और 2028। तो ये जो वीडियो है आपके लिए महत्वपूर्ण निर्णायक फल लेकर आएगी। और इस वीडियो में आपको बता दें, कुंभ राशि के बारे में आपसे बात करूंगा, इसलिए पहले से ही ऑलरेडी कुंभ राशि आपको तैयार हो जाइए। पूरी जानकारी जानने के लिए आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कुंभ राशि को वर्ष 2025 में कौन सा ग्रह आपके लिए संकट मोचक साबित होगा, 2026 क्या रहेगा, और इन चार सालों में कौन सा साल सबसे अच्छा रहेगा व्यतीत होगा, यानी कि 2025, 26, 27 और 28। तो ये जानकारी भी आज के इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो आपके लिए कुंभ राशि को बहुत ही बड़ी भविष्यवाणी साबित होगी। ये बात आप नोट कर लेना। दोस्तों, आखिर मुझे क्यों लिखना पड़ा कि वर्ष 2025 आपके लिए निर्णायक है, वर्ष 2026 आपके लिए निर्णायक है, उसका कारण है कि इन चार वर्षों के अंतराल में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जी हाँ, मैं देवगुरु बृहस्पति की बहुत ज़्यादा विशेष यानी कि महत्व देता हूँ, क्योंकि ये ज्ञानी ग्रह हैं, ज्ञान की कमी इनके पास बिल्कुल यानी कि कमी नहीं है और ज्ञान का भंडार है। और वर्ष 2025 में देवगुरु की जो पोजीशन होगी तो वो होगी 15 मई 2025 से लेकर और 2 जून 2026 तक मिथुन राशि में रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। तो मान सम्मान, पैसा, धन, वैभव, ईश्वर, सुख की प्राप्ति होगी। इस समय में देवगुरु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा आपके लिए कुंभ राशि को, क्योंकि देवगुरु सिंह राशि में आएंगे। इसके अलावा वर्ष 2026 में 3 जून से लेकर और 25 जून 2027 तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आएंगे और उच्च के होकर रहेंगे। उच्च के ग्रह हमेशा अच्छे रिजल्ट देते हैं। वर्ष 2027 में 26 जून से लेकर और 24 जुलाई 2028 तक देवगुरु बृहस्पति रहेंगे सिंह राशि में, और सिंह राशि देवगुरु बृहस्पति के मित्र की राशि है, सूर्य की राशि है। इसका मतलब है 3, 4 और 5 मिथुन, कर्क और सिंह पर वर्ष 2025 से लेकर के 2028 तक गोचर रहेगा। देवगुरु को बहुत शुभ फल मिलेगा, इतना जबरदस्त फल मिलेगा जिसकी कल्पना नहीं की होगी आपने। आपने ध्यान से समझ लेना है, महत्वपूर्ण फल है। और कुंभ राशि वालों, देवगुरु के पास क्या है? देवगुरु के पास है धन, वैभव, नौकरी, तरक्की, विवाह, सुख संपत्ति, सुख करियर में फायदा यानी कि लाभ लेकर के, आपको प्रॉफिट, विदेश, घर को लेकर के, आपके पैसों को लेकर, आपकी प्रारंभिक शिक्षा एजुकेशन को, आपके रुके हुए धन को लेकर, वाक्पटुता, ज्ञान अर्जित करना, आपकी राजनीतिक को लेकर के, आपके व्यक्तित्व को लेकर के देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर होगा वो यानी कि हो जाएगा, यानी कि बेहतर हो जाएगा। 2025 से लेकर 2026, 27 और 28 यानी बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए 2025 से 2026 तक, तो दोस्तों जो शुरुआत में बताई थी वो भूल मत जाना, अपने मित्र की राशि में रहेंगे, यानी कि अपने मित्र की राशि में यहाँ पर गोचर करेंगे और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ पर कुंभ राशि को बता दें कि आपको इन चार वर्षों में बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ देखने को मिलेगा। सदी की सबसे बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहे हैं। दोस्तों बता दें कि इसमें आपका जो करियर होगा वो बहुत ही ज्यादा फलता फूलता नजर आएगा, व्यापार भी फलता फूलता नजर आएगा। व्यापार में आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, लाभ के योग बने रहेंगे, जबरदस्त लाभ होगा। जो कार आपने सपने भी नहीं सोचा होगा वो आपके साकार होंगे। कई प्रमुख कार बनेंगे, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, मनचाही सफलताएं प्राप्त होंगी। कार क्षेत्र को लेकर भी चली आ रही परेशानियां दूर होगी, इनकम की बढ़ोतरी होगी। कई प्रमुख कार बनेंगे, अधूरे कार भी बनेंगे,
महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त होंगी, लंबे समय से रुके हुए तमाम कार्य भी पूरे होंगे। और बता दें कि इस समय आपको निर्णायक लाभ मिलेगा। कई राजयोग और धनयोग का निर्माण होने से माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होगी। महत्वपूर्ण सफलता मिलने से धन की स्थिति, कारोबार की स्थिति में माता लक्ष्मी जी के कृपा से चार चांद लग जाएंगे। तो कुंभ राशि को अब आपके लिए हर जगह से लाभ होगा। जो अविवाहित जातक, उनके विवाह के योग बनेंगे, विवाह के यानी कि रिश्ते तय होंगे। घर परिवार में सुख समृद्धि बरसेगी। धन व्यापार में लाभ होगा, कारोबार में लाभ होगा। कई प्रमुख कार्य बनेंगे, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। मनचाही सफलताएं प्राप्त होंगी, प्रत्येक कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। और इसमें आप जो भी निर्णय लेंगे वो काफी अच्छा रहेगा। दोस्तों बता दें, कुंभ राशि को यहाँ पर 2025, 26, 27, 28 आपके लिए बहुत ही बड़ा जबरदस्त राजयोग लेकर आएगा, धनयोग लेकर आएगा। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा बरसेगी, कई प्रमुख कार्य बनेंगे। जो देवगुरु बृहस्पति हैं, इनकी कृपा से आपके तमाम रुके हुए कार्य पूरे होंगे। और बता दें कि आप अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी वगैरह बेचना चाहते हैं तो इसमें बेचेंगे। और विवाह योग, जातक के विवाह के योग बनेंगे और संतान की प्राप्ति होगी घर परिवार में, क्योंकि बृहस्पति संतान के भी कारक, संतान देने में भी सक्षम है। तो कुंभ राशि को आपके लिए बहुत ही अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को बहुत लाभ होगा। समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में आपको लाभ होगा। जो कुछ कार्य अधूरे थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा करेंगे। इम्पोर्टेंट लाभ देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त होंगी। इसमें आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफी सराहनीय होंगे। जो कुछ भी कार्य अभी तक नहीं बने वो कार्य बनेंगे। इसमें आपकी आमदनी बढ़ेगी। कुछ इम्पोर्टेंट कार्य बनेंगे, लंबे समय से पेंडिंग काम भी बनेंगे। और बता दें कि इसमें आप जो भी कार्य सोचेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, उसमें सफलताएं प्राप्त होंगी। आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफी सराहनीय होंगे। लगातार आपकी आय बढ़ेगी, लगातार आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी बनेंगे, सफलताएं भी कदम चूमेंगी। इस समय बता दें कि इसमें आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा से घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे और शिक्षा में आपको बहुत ही बेहतरीन मौका मिलेगा। ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान अर्जित करने का मौका मिलेगा। विदेश जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं। प्रेम जीवन में भी खुशियां बरसेंगी। हर क्षेत्र में आपको लाभ होगा और सामाजिक दायरा आपका काफी अच्छा रहेगा। राजनीतिक क्षेत्रों में भी आपको लाभ होगा। धन अर्जित करने के मौके मिलेंगे। पहले से अगर निवेश किया हुआ है तो दुगुना धन लाभ हो सकता है। बता दें कि इसमें आप यानी कि कोई भी कार्य करें, उस कार्य में आपको लाभ जरूर मिलेगा, इम्पोर्टेंट लाभ मिलेगा। कहने का मतलब है कि आपकी तरक्की होगी। तो दोस्तों, ये था आपके लिए सदी का सबसे बड़ी भविष्यवाणी कुंभ राशि को 2025, 2026, 27 और 28 को लेकर के। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय शनिदेव।